घिया ली है छोटी सी, आधा किलो की घिया। इसको मैं अच्छे से छील लूंगी। ये हमारी छिल गई है। अब इसको हम ये डंठल से कट कर ले रही हूँ जैसे भी। अब मैं गोल गोल पीस में काट ले रही हूँ इस तरीके से। अब मैंने घिया धो ली है। अब इसमें एक गिलास डालूंगी पानी और उबलने रख दे रही हूँ। दे रही हूँ उसको टक दे रही हूँ, टक के पका ले रही हूँ। अब दही को हम डाल लेंगे जग में जो अच्छे से फिट जाए। हल्का सा पानी डालूंगी आधा गिलास। इतनी से हम दही फेंट ले रही हूँ। ये फिट गया है, ये देखो दही अच्छे से हमारा फिट गया। अब हम घिया को देख ले रही हूँ। घिया भी हमारी उबल गई है, ये देखो उबल गई मैं घिया अच्छे से। घिया को हम निकाल ले रही हूँ, घिया को निकाल ले रही हूँ, चोकर में डाल ले रही हूँ। घिया अच्छे से हमारी पिस गई इस तरीके से, देखिए पिसनी चाहिए। उसको डाल लेंगे दही डाल ले रहे हैं और उसको मिला दे रही हूँ। तेल गर्म करने रख दिया, स्वाद अनुसार नमक उसको मिला लेंगे। तेल गर्म हो गया, अब डालेंगे जीरा। गैस बंद कर दे रही, जीरा भून गया। डाल दूंगी इसमें हींग, हींग बहुत जरूरी होती है। अब इसको तड़का लगा लें। डाल लूंगी। अब हमारा घिया का रायता बन के हो गया तैयार। हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।